इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा सीट का उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। हर किसी की निगाहें सांवेर सीट पर टिकी हुई हैं, जहां एक ओर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तुलसी सिलावट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए प्रेमचंद गुड्डू का मुकाबला तुलसी सिलावट से होने वाला है। दोनों ही प्रत्याशी राजनीति के काफी मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं और लंबे समय से वे राजनीति भी कर रहे हैं। फिलहाल उपचुनाव में तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता किस प्रत्याशी को विजय श्री दिलाती है और किसे नहीं। आज ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा ने सांवेर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से खास बातचीत की है, तो क्या कुछ कहा है प्रेमचंद गुड्डू ने, आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर वर्मा, आप देख रहे ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांवेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सांवेर विधानसभा में वो जनता के जाएंगे और क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे। ऐसे तमाम सवाल है हमारे जो हम उनसे जानना चाहेंगे। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडिया। धन्यवाद सर। आप अभी जो चुनाव है इसमें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है गद्दारी, जो जनता के साथ क्षेत्र के लोगों के साथ जो गद्दारी की है तुलसी सिलावट ने और कमलनाथ जी की सरकार गिराई हुई, जो अच्छा काम कर रही थी, किसानों के लिए कर्जे माफी का काम कर रही थी, दो महीने बाद शायद कर्जे माफ हो जाते सभी पूरे सभी किसानों के, और उन्हें गद्दारी करके सरकार को गिरा दिया। इन सब चीजों को हम लेके लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन आप तो भाजपा में थे ना साहब? नहीं, भाजपा में टेम्परेरी था मैं, वो कारण भी है और वो कारण सब जग जाहिर है, अब उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, अपन उससे आगे की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, जैसे कि एक बिकाऊ और टिकाऊ, ये किस तरह से मतलब आप साबित होगा कि बिकाऊ और टिकाऊ वाला जैसे मुद्दा लेकर आप जनता के लिए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बेसिक हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे और लड़ाई हमने और ये लड़ते रहे, सबने देखा है, हमारा स्वभाव उनसे मेल नहीं खा सकता। लेकिन ये लोगों ने सरकार जो पैसा लेके सरकार गिराई है तो ये बिकाऊ है, और हमने चाहे सांसद रहे हो, विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, कभी हम लोगों ने कोई समझौता बेईमान लोगों से नहीं किया। ये पूरे इंदौर संभाग के लोगों को मालूम है, उज्जैन संभाग के लोगों को मालूम है, वो पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है। सिलावट जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, आप भाजपा से कांग्रेस में आए, तो इसमें मतदाताओं की क्या स्थिति है? क्या मतदाता भी इधर से उधर हुए? नहीं नहीं, मतदाता कुछ नहीं होना इधर से उधर, वो मतदाताओं का मन बन चुका है। ये आज देख रहे हैं फर्क कि जो तुलसी सिलावट को तिलक करती थी बच्ची, उसके 100 रुपए 51 रुपए डालने के पैसे नहीं रहते थे उनके पास, वो आज बड़ी बड़ी फाइव स्टार है, उज्जैन की फाइव स्टार सब बुक कर रखी है, इंदौर की फाइव स्टार बुक कर रखी है, और लोगों को भरवाने का काम कर रहे हैं, दलित लोगों को फाइव स्टार होटल वहां पे दिखा के। ये पैसा आया कहाँ से? आज कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा में कलश से लेकर साड़ी तक और तमाम घड़ी और पाए सब बांटी जा रही हैं, तो ये पैसा कहाँ से आया तुलसी सिलावट जी के पास? इसके पहले तो 7-6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जब इतना पैसा कहीं दिखा नहीं, आज ये पैसा कहाँ से? ये स्पष्ट दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये बिके हुए लोगों का पैसा है, जो भ्रष्टाचार से आई कमाई है उससे बांट रहे हैं, ये बांटने की भी आवश्यकता क्या पड़ी उनको? सर, सिलावट जी अभी सत्ता में मंत्री भी है और सब जो है कि आप उनके साथ कितनी टक्कर आपकी मजबूत होगी? हम जनता से वर्सेस तुलसी सिलावट चुनाव हो रहा है, जिन लोगों ने गद्दारी की है, जनता ने वोट दिए हैं, तो लोग उनको बिल्कुल सबक सिखाने के मूड में हैं कि पूरी तरीके से सबक सिखाएं। हमारा बहुत माइक्रो लेवल पे काम चल रहा है, हमारे पन्ना प्रभारियों से लगातार हमारी बात हो रही है, वो भी हमारे हर नीचे तक ये बात हमारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारी लास्ट मीटिंग कल की बची है, हमको हमारे पास कम से कम 18,000 ऐसे कार्यकर्ता हमने तैयार कर लिए हैं जो नीचे तक लोगों तक वो बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बेईमान और गद्दारी की कहानी बता रहे हैं। कमलनाथ जी को लगा कि आप ही तुलसी सिलावट जी को टक्कर दे सकते हो, उसमें ऐसे में उतारा है आपको, आप जनता के बीच ऐसे मतलब किन मुद्दों को लेकर जाओगे कि आप बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं? नहीं नहीं, टक्कर नहीं, इस विश्वास के टक्कर नहीं दे सकते हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, तुलसी सिलावट को चुनाव हरा रहे हैं, टक्कर की बात तो
बहुत दूर है, हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्षेत्र में इतने गड्ढे हैं। ये महानगर हमारा जो है इंदौर, इसको महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित की जब कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी ने की थी, तो उसके अंदर सांवेर और सिपरा भी था। आज जो 15-20 दिन पहले इनने घोषित की है, सांवेर और सिपरा को हटा के उनने पीसमपुर को जोड़ दिया उससे। तो यहाँ पे किसानों के मुद्दे हैं हमारे पास तमाम सारे, जो मंडी का मुद्दा है और सोयाबीन का मुद्दा है, जो सोयाबीन की फसल खराब हुई उसमें 40,000 रुपये एकड़ की मांग की थी कई सारी जब शिवराज सिंह सड़क पे थे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं किसानों को? अब तो ये खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको 40,000 रुपये पर हेक्टर देना चाहिए। ये सब तमाम सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कें खराब हैं। भाजपा मतलब हमेशा ये मुद्दा बनाती है कि कांग्रेस का ने किसानों का कर्ज माफ नहीं करा इसलिए उनकी सरकार गिर गई, ये लोग अच्छे लोग छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जो हमारी सर्वोच्च संस्था होती है उसके ऊपर सरकार ने रखा है कि 27 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुए। बाहर आकर आप झूठ बोलते रहो तो क्या? सदन के पटल पर जो रखी गई बात है वो हमारे लिए बाइबल और गीता है, तो उससे अलग हटके और उस पर फिर कैसे किस तरह क्या सोच है कि लोग कैसे लोग हैं ये मंत्री और मुख्यमंत्री जिनमें इतनी अकल नहीं है कि 27 लाख लोगों का पटल पर सदन के पटल पर रख रहे हो और पटल पर रखने के बाद बाहर आके झूठ बोलते हो कि अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम मंत्री किस काम के हो? तुमको इस्तीफा देना चाहिए, कमल पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो है लोगों को भरमाने की और बहलाने की बात है। हमारे कार्यकर्ता ये भी सब चीजें बता रहे हैं किस किस का कर्जा माफ हुआ, कहाँ से आया और किस बैंक में गया, किस खाते में गया। एक एक कार्यकर्ता बताने काम कर रहा है, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के कर्जे माफ हुए हैं। सर अभी जो 28 सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है इसमें कितनी सीट आप कांग्रेस सरकार ला पाएगी और सत्ता में वापसी कर पाएगी? 28 में से हम 28 सीटें जीतेंगे, कोई एक आध दो सीटें कोई प्रबंधन में गड़बड़ हुआ तो उसी में हारेंगे, बाकी हम 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं। आपको भाजपा के जो भीतर बात है उसका कितना फायदा मिलेगा? नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं है हमको, हम हमारे अपने कार्यकर्ताओं पे, हमको अपने लोगों पे विश्वास है। हम भाजपा के भीतर बात पे हमको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमारे अपने लोगों पे विश्वास है, हम इन बातों के बजाय अब काम करने में विश्वास रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद गुड्डू जी, जो सागर से विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने वाले हैं। इनका कहना है कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पे विश्वास है, दूसरों पे विश्वास नहीं, और हम काम में विश्वास करते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, मध्य प्रदेश।